नहीं महाराज ने कह दिया कि महाराज जैसे आपने तीन वचन भरे मैं आपके साथ हूं, लेकिन कि लेकिन क्या, एक बात का ख्याल नहीं किया कि कौन सी बात का, जब तक बेटा बेटी की शादी नहीं होती शादी से पहले मां बाप का पूरा अधिकार होता है बेटा और बेटी पे, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बेटा बेटी पर मां बाप का कोई अधिकार नहीं होता। अगर बेटी है तो उसके सास ससुर उसके पति का अधिकार हो जाता है, अगर बेटा है तो उसकी आने वाली होने वाली पत्नी का अधिकार हो जाता है। हमारे बेटे की शादी को आज तीन दिन हुए, केवल तीन दिन, हमारे बेटे की बहू पुत्रवधू लजवंती जो कि महलों में बैठी है, जिसके हाथ का अभी तक कंगना भी नहीं खुला है, आप पुत्रवधू लजवंती को बिना पूछे ये दान नहीं दे सकते। अगर वो हां कर दे तो ये दान दे सकते हो, मैं तो आपके साथ हूं, अगर उसने ना कर दी तो दान नहीं दे सकते। राजा को वहीं बैठाया और विद्याधरनी महारानी अपनी बहू लजवंती के पास में जाती है कि मैं बेटी से पूछती हूं क्या वो अपने पति को देगी या नहीं। सजनों, विद्याधरनी बहू लजवंती के पास में जाती है और यहां सवाल जवाब की रागनी होगी सास और बहू की, सास विद्याधरनी और बहू लजवंती जो केवल तीन दिन ब्याह को हुए, कंगना भी नहीं खुला है, वो नई नवेली किस तरह से सासू से सवाल जवाब करेगी और क्या कहेगी, बाकी हवाला रागनी के माध्यम से रहेगा। सबसे पहले सासू माँ के चरणों में आपकी पुत्र वधू का प्रणाम है। सासू माँ, अगर कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, आपको यहाँ आने का कष्ट नहीं करना चाहिए था। तेरा प्रणाम स्वीकार है बेटी, लेकिन आज मैं तेरे पास अपना आदर सम्मान नहीं करवाने आई, बल्कि मैं तुमसे कुछ काम आई हूँ। मुझसे काम? हाँ बेटी। खुलकर बताइए सासू माँ, आज आपके चेहरे पर ये उदासी है, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। बेटी, आज महाराज के ऊपर और हम सब के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी है जिसका हल सिर्फ तेरे पास है, इसीलिए मैं तेरे पास तेरी सासू माँ नहीं बल्कि एक भिखारी बन के आई हूँ, मेरी झोली में भीख डाल दे बेटी। ये कैसी बातें करती हो सासू माँ, अरे जो कुछ भी मेरे पास है वो आपका तो दिया हुआ है, लेकिन खुलकर बताइए कि आप क्या कहना चाहती हैं। बेटी, आज अपने दरबार में दो साधु एक शेर आया है। अच्छा। और साधुओं ने महाराज से तीन वचन भरवाए और तीन वचनों में मेरे इकलौते बेटे धीर ध्वज को दान में मांग लिया मेरी बेटी। ये क्या कह रही है सासू माँ? हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ, आप अपना बेटा दान में देना चाहती हैं। हाँ बेटी। अरे, और आज आज ये माँ तुझसे अपना पति मांगने आई है। मेरा पति? अरे आज से पहले तो मैंने कणी मणि धन दौलत का दान सुना था सासू माँ, पहली बार किसी इंसान का दान तो सिर्फ आपके मुंह से सुन रही हूँ। हाँ, और मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपकी ये बात बिल्कुल नहीं मान सकती। बेटी, तुझे ये बात माननी होगी क्योंकि अगर तूने अपना पति दान नहीं किया तो राजा मोरध्वज वचनहार हो जाएंगे, जो जीते हैं धर्म के लिए जो मरते हैं धर्म के लिए उनकी हार हो जाएगी। बेटी, मैं इन बातों को नहीं मानती सासू माँ, चार दिन भी नहीं हुए हैं मेरे घर को बसे हुए और आप उजाड़ने के लिए आ गई। बेटी, इतना बड़ा जुल्म मुझ पर मत कीजिए। नहीं बेटी, मैंने आपको माँ माना था लेकिन आप तो अपने सासू वाले रूप में आ गई हैं, मुझसे ये बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपकी इस बात को मानूंगी, आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं बेटी, नहीं, मैं तुझसे हाथ छोड़ के निवेदन करती हूँ, नहीं, मेरा बेटा मुझे दान कर दे। बेटी, सुनिए मेरी बात, सुनिए। किधर के मणि विचाले में विषियर भी ओस चाट जा, किधर के मणि विचाले में ईश्वर भी ओस चाट जा, अरे उस मानस का के जीना जो भर के वचन नाट जा। आइए सास और बहू के बीच में सवाल जवाब में दोनों कलाकारों के लिए जोरदार ताली मार दो, जोरदार ताली, और सुनने की रागनी होगी। आइए। हो मत जुलमी करे मेरी सास नास खुद ना, ना बेटी, घर
तरीका करे नाचावे मते जुलम करे मेरी सास ना से खुदे तरीका करे नाचावे मते जुलम करे पाछे फकीर मांगे राज पाटे चाहते को ना ना दौलत जागीर मांगे शेर ने उस शेर ने जिमावण खातर मेरे बेटे का शरीर मांगे शेर ने जिमावण खातर मेरे बेटे का शरीर मांगे जोड़ी भीख घाल दो राजी हो के शेर खावे लाके बकरा डाल दो इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो हो ये तो ढोंगी फिरे से फकीर ये ढोंगी फिरे से फकीर चीर के क्यों बेटे ने मरवावे मते जुलम करे मेरी सास कोई साधु महात्मा नहीं है। अच्छा। अगर साधु महात्मा होते तो यो किसी के घर के इकलौते चिराग को बुझाने नहीं आते। और अगर उन्होंने आपका बेटा मेरा पति दान में मांग ही लिया है, अरे तो बहुत सारी चीजें हैं दान में देने की, दे दीजिए कुछ भी, लेकिन मेरा पति मत दीजिए दान में। बेटी तुझे नहीं पता हमारे घर की रीत, क्योंकि हमारे घर में दुश्मन भी अगर आ जाता है तो उसको भी भगवान समझ के पूजा जाता है। और आखिरकार वो तो संत हैं, उन्होंने तो बेटी वचन भरवाए हैं, फिर हमारा बेटा मांगा है, मैं कैसे दान नहीं करूं? वचनों की पड़ी है। लेकिन ये नहीं देख रही हो सासू माँ कि आपके पुत्र वधु की अभी अभी शादी हुई है? अरे मेरे हाथ का कंगना तक नहीं खुला है, मेरे हाथों की मेहंदी तक नहीं धुली है, और आपने अपना बेटा दान में दे दिया। बेटी मैं अच्छे से समझती हूँ तेरा दर्द, लेकिन तू मेरा दर्द नहीं जानती। आखिरकार 9 महीने गर्भ में रखा है, खून से सींचा है। मैं नहीं जानती, तुझसे ज्यादा प्रेम है अपने बेटे से, लेकिन उन वचनों को भी निभाना है जो साधुओं ने लिए हैं और मेरे महाराज ने उन्हें दिए हैं। बेटी मेरी बात सुन ले, नहीं है अपनी बात सुन ले। सत्यवादी दानवीर धर्म ना डिगाया करते, घर आए साधु संतों में धक्का ना लगाया करते, घर आए साधु संतों में धक्का ना लगाया करते। अरे बेटे ने दिख बेटे ने मरवा के सासू कर की बन जावेगी ठेक, हाथों की मेहंदी ना छूटी
करके दिल में ख्याल देख किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छतरी ऊपर हाथ टेक किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छतरी ऊपर हाथ टेक हो घर बैठी बहु रे जवान निशान लगे चंदा भी शर्मा गए क्योंकि मुझे वचन भी निभाने हैं और अपने बेटे को भी बचाना है। मेरे एक तरफ कुआ है तो एक तरफ खाई है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, क्योंकि मुझे महाराज के वचन निभाने हैं। अगर वो वचन हार हो गए तो वो जी नहीं पाएंगे बेटी, क्योंकि हमारे कुल की रीत यही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बेटी प्राण जा सकते हैं महाराज के, लेकिन वो वचन नहीं तोड़ेंगे बेटी। एक तरफ मुझे हाँ छोड़ के निवेदन करती हूँ, अपना पति दान कर दी बेटी। एक तरफ मुझे अपनी बेटी कहती हूँ सासू माँ, और दूसरी तरफ मेरी माँ का सिंदूर उजाड़ने पर बैठी बेटी। अरे कैसी माँ हो आप, आपको भी अच्छे से पता है कि आपने अपने गर्भ में अपने बच्चे को 9 महीने तक रखा है, उसके दुख दर्द हर चीज देखी है, फिर आप कैसे दान में दे सकती हो। और अगर दान में देना ही है तो फिर मैं बताती हूँ आपको एक विधि। अच्छा सुनिए मेरी बात और कहिए अपनी बात। बेटे की ममता धर्म का सवाल री, 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री, 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यार लाल री। दिख तू तो सासु खाई खेली आया मेरा वार री, बेटे ने मरवाना चाहती झूठा तेरा प्यार री, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी वरदार री, ओ शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी वरदार री, हो तू ते दे ओरो ने डाट री, तेरे पास दान मांगने के लिए आई थी, लेकिन तूने तो वो काम कर दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुझे बेटी समझ के तुझसे अपना पति दान करने के लिए कहा, लेकिन तूने आज मुझसे बातें करते हुए कैसी वाणी का प्रयोग कर रही है। क्षमा चाहती हूँ सासू माँ, लेकिन मैंने भी आपको अपनी माँ का दर्जा दिया था, लेकिन आप भी सासू बनकर बैठ गई हैं, और मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा कि मैं आपकी इन बातों में आ जाऊंगी।
अरे आप मुझे मार सकती हैं, जहर दे सकती हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। तेरी बातों को सुन के मेरा कलेजा फटा जा रहा है बेटी। अच्छा, पेट पकड़ बैठी गई, पेट पकड़ बैठी गई, कहू चाड़ पाड़ दिए आड़े काड़े, कुछ ना छोड़ी हर माजड़े बिगाड़ दिए, धरती का तन धरती का हिलाया परदा, तन्ने बादल पाड़ दिए, धरती का हिलाया परदा, तन्ने बादल पाड़ दिए। अरे देखे जहर मार दे तू, देखे जहर मार दे तू, मेरे पे पैर करे सुर का सुरैया पूरण, ना दुश्मन पे घेर करे, हरे राम बैसले पे बजरंगी मेरे करे, हरे राम बैसले पे बजरंगी मेरे करे, हो उसकी उम्र घड़ी करे, मेरी सहाशनाशे खुदे करे का करे ना जावे मते जुना।